पाया गया कि मेरी बेटी एक सुसाइड बॉम्बर है। After I read this news, I was shocked. काफी हद तक तो मुझे लगता था कि बस अब सुसाइड के अलावा हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। हम लोगों की लाइफ इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है। इंटेलिजेंस एजेंसी की एक गलती किसी व्यक्ति पर कितनी भारी पड़ सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण पुणे की सादिया शेख के मामले में देखने को मिलता है। 26 जनवरी को अचानक अखबारों की हेडलाइंस बन रही है कि सादिया शेख जो है वो एक सुसाइड बॉम्बर है और श्रीनगर में वो सुसाइड बॉम्बर के तौर पर एंट्री की है। उसके बाद जब पूरी इंक्वायरी सामने होती है तो बाद में उसे छोड़ दिया जाता है। मैं और मेरी बेटी उसके एडमिशन के लिए श्रीनगर गए थे। सडनली 26 जनवरी को बताया गया कि मेरी बेटी एक सुसाइड बॉम्बर है। न्यूज़पेपर में मैंने एक ऐसा आर्टिकल पढ़ा कि देयर इज वन गर्ल, 18 साल की लड़की है और सादिया अनवर नाम की, एंड शी इज़ फ्रॉम पुणे, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट शी इज़ गोइंग टू कैरी आउट अ सुसाइड अटैक नियर द परेड, लाइक यू नो दैट टेक्स प्लेस ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर इन श्रीनगर। सो आफ्टर आई रेड दिस न्यूज़ आई वॉज शॉक्ड। हम लोग सब मीन्स परेशान हो गए कि ये न्यूज़ स्प्रेड किसने की। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ उसका नाम और एड्रेस बताया जा रहा था, उसका फ़ोटो भी बताया जा रहा था। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी मीडिया चैनल पर उसका फ़ोटो इस तरह से इश्यू किया जाना चाहिए। मैं तो यहाँ पढ़ने के लिए आई थी और पता नहीं ये कहाँ से सर्कुलेट हुई ये चीज़। जैन को हम लोग यहाँ से फ्लाइट पकड़ के वहाँ गए। उसके बाद उसने सीईटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, एडमिशन लिया वहाँ पर। मुझे फ़ोन पर बताती थी कि मम्मी आज एडमिशन हो गया है, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, सारी बातें हम लोगों की होती थी। लेकिन जिस दिन ये न्यूज़ स्प्रेड हुआ, मैंने कहा कि सादिया तुम्हारे बारे में ये किसने बताया है, वो भी खुद परेशान हो गई कि मम्मी मेरे तक तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है। कॉल माई मॉम, घर पे मैंने कॉल किया और पूछा कि ये क्या मसला है। तो इन्होंने बताया मुझे घर से कि पुलिस जो है, लोकल पुलिस वो आई है घर पर, और इन्हें घर पर आकर गए वो, एंड जो पुणे कमिश्नर है उनका ये कहना है कि वीडियो कॉल पे बात करो हमसे बिफोर 26, या फिर कम टू पुणे सो दैट ये बात पता चले कि 26 को आप जो है कश्मीर में नहीं होंगी और ऐसा कोई चीज़ होने वाली नहीं है। उसने कहा कि मम्मी मैं क्या करूं। मैंने कहा कि देखो कमिश्नर ऑफिस से भी कुछ लोग आए हुए हैं, आप यहाँ पर आ जाओ, हम लोग यहाँ पर ही बात करते हैं। आई वॉज कन्फ्यूज कि क्या करना है। सो मैंने टैक्सी ली एंड आई स्टार्टेड गोइंग टूवर्ड्स श्रीनगर। अब जाते वक्त रास्ते में देयर इज वन प्लेस कॉल्ड अवंतीपोरा, एंड वहाँ पर चेक पॉइंट था। सो इट वॉज गुड दैट मुझे श्रीनगर तक ट्रैवल करना नहीं पड़ा। एंड दे स्टॉप द कार एंड दे स्टार्टेड आस्किंग हु आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम। आई got down, I spoke to them that I'm Sadia, I'm from Pune. और उसने ये बताया कि वो लड़की तो मैं ही हूँ जो सादिया है, जिसका आप लोगों ने नाम ऐसे इशू किया है, तो आपको क्या इंक्वायरी करनी है मेरे से करें। दे frisked me, दे checked my bags and all, like you know, for finding any suspicious thing. And after they were satisfied कि ऐसा कुछ नहीं है, they took me to the police station and they started asking me general questions. And they took my cell phone and they asked for my password, they unlocked it, and फिर जो है उन्होंने अपना investigation start किया वहाँ से, and then I was sent to women's police station in श्रीनगर। फिर हम लोगों ने काफ़ी try करने के बाद भी उसको कोई call नहीं लगा। Directly 26 को हमको ये बताया जा रहा है news channel पर कि सादिया नाम की लड़की को arrest किया गया है, जबकि ऐसा नहीं था। मेरी बेटी खुद पुलिस के पास गई थी कि मैं ही वो सादिया हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। और उन्होंने पूछताछ की, लाइक वेयर आई वाज स्टेइंग, व्हाई आई वाज स्टेइंग, एडमिशन हुआ था या नहीं हुआ था, एंड एवरीथिंग। आई हैड ऑल प्रूफ्स विद मी कि एडमिशन हुआ है, ऑल द बुक्स विद मी,
एंड एवरीथिंग एंड ऐसा कुछ था ही नहीं तो उन्हें मिलेगा क्या मुझसे। वहाँ के आईजी ने उस वक्त तो डिक्लेयर कर दिया था कि हम लोगों को इसके पास से कोई ऐसा एविडेंस तो नहीं मिला है कि ये सुसाइड बॉम्बिंग करने आई थी और यहाँ पर तो ये एडमिशन ही लेने आई थी, ऐसा उन्होंने भी कहा है और वो उसको रिलीज करने की न्यूज़ उस वक्त तक दे चुके थे। तो वो सब इन्वेस्टिगेशन हुआ आफ्टर दे फाउंड आउट दैट कोई लिंक्स नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं, दे लेफ्ट मी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बेटी आईएएस ऑफिसर बने और वो हमेशा बोलती थी नहीं मम्मी मैं तो कि कोई अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और हम लोग मीन्स एज अ फ्रेंड हम दोनों एक दूसरे से बात करते थे कि सादिया हम ये करेंगे हम वो करेंगे। हम लोगों की लाइफ इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है, काफ़ी हद तक तो मुझे लगता था कि बस अब सुसाइड के अलावा हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। टॉर्चर उसके साथ में वहाँ पर किसी ऑफिसर ने तो नहीं किया है, बट उसको जो मेंटली टॉर्चर हुआ है कि इस तरह की न्यूज़ उसके बारे में आई है तो ये सबसे बड़ा उसके ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है। और इस वक्त में उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो कोई भी किस्म की बात को सोच पाए।